नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए देश विदेश की तमाम खबर को लेकर आए हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी और काम की खबर है। जी हां दोस्तों, श्रीनगर से सटे नौगांव में आतंकियों ने पुलिस टीम पर धुआंधार गोलियां बरसाई, जिसमें बहुत से पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी के बारे में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी हम आपको सबसे पहले दे सकें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी चीन और भारत में पूर्वी लद्दाख में जो घटना हुई थी, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए थे और भारतीय सैनिकों ने भी वीरता का परिचय देते हुए दोस्तों चीनी सैनिकों के 200 को मार गिराया था। इसकी पुष्टि बाद में चीनी सैनिकों ने खुद की थी। और बीते एक साल पुलवामा में आतंकियों की चपेट में आने से जो घटना हुई थी, जिसमें 30 सैनिक शहीद हो गए थे, आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी आदतों को फिर से अंजाम देने के लिए आज श्रीनगर से सटे नौगांव में आतंकियों ने पुलिस टीम पर धुआंधार गोलियां बरसाई। आतंकवादी अपने नापाक आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर से पुलवामा की घटना को दोहराने की कोशिश की गई है और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमले की जानकारी मिल रही है। श्रीनगर से सटे नौगांव में आतंकियों ने आज शुक्रवार सुबह पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नौगांव बाईपास पर वारदात को अंजाम दिया गया। आतंकी हमले में 3 पुलिसकर्मी की हालत नाजुक है, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस आतंकियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बीते हफ्ते कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में मानव रहित विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने का पाकिस्तान में एक नया तरीका अपना लिया है। कुछ समय से इस तरह की कई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 200 से अधिक आतंकवादी सक्रिय हैं और इस साल अब तक सीमा पार से केवल 26 आतंकी इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश कर पाए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी हम आपको सबसे पहले दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।